वैसे बाहर कुछ ना कुछ तो था, मेरे पास आकर ना गया है उधर साइड को। सो हर हर महादेव दोस्तों, क्या हालचाल, होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज मैं फिर से कैंपिंग वीडियो ले आया हूँ। बाकी आज की जो लोकेशन है वो कुछ अलग ही है, बाकी आपको पता चल ही रहा होगा। तो मैं आज ना खेतों में आया हूँ, आज मैं एक्चुअली खेतों में आ गया हूँ। तो मेरे पीछे देखो काफ़ी सारी जो है गेहूँ वगैरह हो रखे हैं, काफ़ी सारे गेहूँ हो रखे हैं। ऊपर साइड को जंगल है, बाकी मुझे लकड़ियाँ तो लानी नहीं है, पर मैं सारी लकड़ियाँ लेके आ गया हूँ घर से, जो भी मुझे चाहिए जलाने के लिए। बाकी देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है हमें। तो गाइस मैं भी अभी टेंट पिच कर लेता हूँ फटाफट, फिर धीरे धीरे अंधेरा हो रहा तो फटाफट से ना टेंट पिच करते हैं।
सो फाइनली गैस टेंट पिच हो गया अपना, बाकी चूल्हा भी बन चुका है जिसमें कि आग वाग जला सकते हैं। आज मैंने फ्रंट पर बना रखा ताकि भाई दिक्कत ना हो इधर उधर ना, तो मैं लकड़ियाँ जो है घर से ले आया था। हाँ, और अभी ऐसा करते हैं थोड़ी देर बैठते हैं, बाकी जगह को देखते हैं कैसा सिस्टम है यहाँ पे। जब शाम को अंधेरा हो जाता है ना तो बड़ी फटती है भाई, तो डर लग जाता है अकेले में, पर एडवेंचर करने में ना मज़ा भी अलग ही आता है लिटरली ना। अभी ना अंधेरा होने लग गया है तो मेरे को ना जरा सा दुकान में जाना है, दुकान से मुझे कुछ सामान लेके आना है, तो मैं फटफट दुकान जाता हूँ और सामान लेके आता हूँ। और मैं एक कंबल भूल गया हूँ घर में, तो मेरे पास एक ही कंबल है, बाकी मैंने यहाँ पे धूप भी जला रखी है, ये चेक करो धूप। हाँ, धूप से खुशबू आती है तो भूत प्रेत नहीं आएगा। बाकी देखते हैं यार आज का जो नाइट का सीन है वो कैसा रहता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अकेले यहाँ पे रहने वाला हूँ तो मज़ा तो आने वाला है। सो गाइस फुल अंधेरा हो चुका है और मैं अभी आ रहा हूँ, देखो ऊपर को जा रहा हूँ फटफट। भाई साहब मज़ा ही आ जाता है नाइट में ना ऐसे में। मैं एक दो लकड़े भी ले आया हूँ अभी। सो फाइनली गाइस पहुँच चुका हूँ टेंट पे, ये भयंकर दो लकड़ियाँ लेके आया था। तो फाइनली गाइस कैंप फायर जल चुकी है और यहाँ पे बनाते हैं अब मस्त चाय, बढ़िया तरीके से चाय बनाते हैं। जिस हिसाब से मैंने जलानी चाहिए वैसी जली, और मेरे पास एक मोटी लकड़ी भी है जो कि मेरे रात में काम आएगी। ओके तो सही है, निकालते हैं सामान। यार ये रही चाय पत्ती, इसमें रहा ऑयल, मटर पहले हम इसको धो लेते हैं थोड़ा सा। तो यार मैं चला गया था घर, तो घर गया तो मम्मी ने फिर मेरे साथ मेरे हाथ में रोटी थमा दी, सब्जी तो बनी नहीं थी, रोटी पकड़ा दी, घर से मैं मटर वगैरह भी ले आया, तो मज़ा आ रहा। अभी देख रहे हो मेरे पीछे पूरा अंधेरा हो गया, तुम्हारा भाई बैठा है मस्त करके, तो मज़ा तो आने वाला आज के व्लॉग में। बाकी चलो जो भी होता देखी जाएगी। बाकी मेरे पास गाइस दो मैगी अवेलेबल है अभी, मैगी एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और हमारे पास स्टोव भी नहीं है, स्टोव जो था वो मेरा भाई लेके गया हुआ है, वो गलती से मतलब उसके बैग में चला गया था तो वो दिल्ली पहुंच गया, वहां जाके पता चला उसे कि सामान आ गया मेरे पास, तो बाकी जब आएगा तब आएगा। फिलहाल यहाँ पे हम कॉफ़ी चाय बना लेते हैं, आज कॉफ़ी नहीं लेके आया मैं, तो मैं ना ब्लैक टी बनाऊँगा, ब्लैक टी काफ़ी सही है। पीछे साइड को कोई उजाला नहीं है मेरे, बस मैं हूँ आग के भरोसे, ये आग जल रही है और आग के भरोसे हूँ, पीछे से कुछ भी आ सकता है कोई परवाह नहीं है। और मेरा हथियार भी पता नहीं कहाँ खो गया, हथियार मेरा ये है क्योंकि मैं इकलौती चीज़ है ये मेरे पास, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले ना चाय पीते हैं और जब तक का चाय बन रही तब तक का मैं कटिंग कर लेता हूँ, फिर सही है। शायद ऊपर साइड को ना बाघ आ गया है, क्योंकि बाघ ना गाँव में एकदम से आ जाता है, थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो गांव में बाघ सीधे आ जाता है। कल शाम की बात है, कल शाम भी कुछ ऐसा ही टाइम था 7:30 के आसपास, तो कल शाम हमारे घर के पास में बाघ आया हुआ था। बाकी चलो जो भी है देखा जाएगा। हमारे भाई ने ले ली है वो,
कुछ तो हलचल हुई थी यहाँ, या तो सुअर आ गए हैं, जो सुअर करते ना अजीब सा, वैसे ही ऊपर को हुआ। बहुत खतरनाक सी आवाज आई, शायद रिकॉर्ड हुई होगी। तो चलो भाई, जो भी है देखा जाएगा। बाकी मैंने आग तो जला रखी है, पीछे साइड में मेरे आग वगैरह नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं रात को मैं फंस जाता हूँ फिर ऐसे में ना कभी कभी। तो गाइस, पीछे को कुछ तो था जिसने मतलब आवाज़ करी। बाकी आज की कैंपिंग कैसा है, कैसी रहती है, कैसा एक्सपीरियंस रहता आज का, वो तो बात की बात है, पता चलेगा शाम को। अभी कितना बज रहा पता नहीं। कटिंग हो चुकी है गाइस अपनी, सामान मेरा ये रहा, इसको मैं डाल देता हूँ उसमें। मेरे पास है कुछ चिप्स। अबे चिप्सों की तो वाड़ लग चुकी है यार। बोलो, चिप्स ना मेरे गिर गए हैं, ये रहे। मुझे ऐसा लगा कि कोई आया इधर से, पता नहीं ऐसे क्यों लगा मुझे। चलो जो भी है देखी जाएगी यार। कभी कभी होता है ना, अचानक से देखने में कुछ अजीब सा दिख जाता है, तो कुछ समझ में नहीं आता भयंकर। बाकी मैं इसमें डालता हूँ ऑयल और हम बनाते हैं भाई, हम फ्राई कर लेते हैं पापड़। चलो पापड़ अपने ये रहे। पे देखो अपना जो मसाला है वो तैयार हो चुका है, मुझे इसके ऊपर अब डाल देनी चाहिए मैगी। मैगी का मसाला भी मिला देता हूँ ताकि जो मज़ा है वो आ जाएगा इसमें। फटाफट से अपनी मैगी तैयार हो जाएगी। मैगी इजी है बनाना जंगल में, मेरे को काफ़ी। तो फाइनली गैस बच चुके हैं 8, करेक्ट 8 बज चुके हैं। बाकी अपनी चाय जो है ना बन चुकी है बढ़िया तरीके से, तो इसको डालते हैं भाई। और इसमें एक दो मटर के दाने भी चले गए, अंदाज़ा ही नहीं आया मुझे। चलो मैंने हटा दिया साइड से, सही है। चाय आज थोड़ी कम हो गई मेरी। बाकी इसको रखते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं, जो होता है भाई पलटना उलटना मत, और जो होगा पलटे ना बस। निखाण है जल, निखाण बिल्कुल, अगर पलट गया ना तो निखाण हो जाएगी मेरी। तो सामान करते हैं क्लोज, खाली एक दो आइटम ही रखते हैं यहाँ पे। सारा सामान ना फिट करके रख देता हूँ मैं फिर, ताकि मुझे दिक्कत ना हो ना। और ठीक है, अभी आलू उसके अंदर था तो मैं आलू को चूल्हे के अंदर डाल देता हूँ। अब चूल्हे में पकेगा जो भी पकेगा, मज़ा आएगा खाने में, तो सही है। बाकी अपना सारा सिस्टम तैयार है। थोड़ा सा मैं इसको हिला लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो ना, गिरे गिरे मत। बहुत बड़ा जाल है कुरी का इधर, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो मुर्गियाँ हैं, ये तीतर वीतर हैं, ये भी रहते हैं, तो इससे डरने की बात नहीं है। बट मैं जो इधर वाला गधेरा बता रहा हूँ आपको, यहाँ से लेके वो नीचे तक का रोड तक का दुकान तक का करीब होगा, यहाँ से नीचे रोड तक का 250 मीटर के आसपास होगा, 250-200 मीटर होगा। और मैं अकेले हूँ, मेरे को बताने में थोड़ा सा डर भी लग रहा लिटरली, बट भाग आ गया। भाई ऊपर को भाग आ गया। तो इधर साइड को ना क्या होता है, मतलब इधर साइड को ना भूत प्रेत रहते हैं, तो एक भूत रहता है इधर को। बाकी मैं भाई मैं अभी क्या पता आसपास भी हो सकता है भाई, तो मैं कुछ वो उनका मजाक नहीं बना रहा, जो भी है मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इस वाले गधेरे में ना वो नीचे तक का उनका एक वो है इलाका है तगड़ा वाला, इधर हो गया वो नीचे हो गया जहाँ पे हमने परसों कैंपिंग करी थी उधर साइड में भी, और इधर
इधर अलग उधर अलग, तो इधर साइड को रहता है, रहता है एक। चलो गाइस, बाकी जो मैंने आपको बात बताई वो बताई, मैं क्लियरली नहीं बता पा रहा हूँ आपको, मतलब कभी मैं कुछ कभी मैं एक कैंपिंग ऐसा बनाऊंगा, एक कैंपिंग वीडियो मैं ऐसी बनाऊंगा जिसमें एक आदमी को लेके आऊंगा मैं अपने साथ में, वो बताएंगे आपको भाई कहानियाँ भूतों की, और जो रियल में हुई होंगी, जो रियल में उन्होंने देखे हैं, जो रियल में हुआ है ना वो आपको बताएंगे, और जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते तुम्हारे लिए, बट सच ये है कि सब कुछ होता है इस दुनिया में। सो फाइनली गाइस, अभी खाना खा लिया है, बाकी मेरा शरीर एकदम से कांपने लग गया। खाना खा के जैसे मैंने हाथ वाथ धोए ना, तो मैं बाहर आया, भयंकर मेरे को अजीब से आवाज़ आई चट करके, तो मेरी फट गई भाई एकदम से, मेरा डर लग गया पूरा, बाय गॉड पूरा शरीर कांपने लग गया था एकदम से, होता है ना कभी कभी। वो तो मेरा ध्यान जो था ना, मैं फ़ोन में एक्चुअली कुछ देख रहा था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डर लगता ही है कभी कभी ना। चलो जो भी है, अभी आग मैंने जला दी है, आग भी बुझ गई थी, टेंट के अंदर चलते हैं और मज़े लेते हैं भाई। फट जाती है लिटरली ना, अकेले में ना सच में फट जाती है यार। जब तक का उजाला था तब तक का मेरे को लग रहा था कि मैं आराम से रह लूँगा, बाकी अभी मेरे को कहीं ना कहीं ज़्यादा डर लगने लग गया है। काफ़ी समय के बाद कैंपिंग हो रही है ऐसे, और सोलो कैंपिंग बहुत टफ हो रहा, बहुत टफ, मजाक से हटके भाई बहुत ज़्यादा टफ हो रहा। तो अंदर चलते हैं, बाहर ठंडा भी हो रहा लिटरली यार, आग लगा रखी मैंने भाई। गाइस इसके नीचे कुछ है कसम से ना, इसमें पहले मैं आग लगाता हूँ, भाई गॉड इसके नीचे कुछ आ गया, यहाँ नीचे कुछ है भाई गॉड, ऐसा सरसराहट हुआ ना, या तो लैपट होगा या तो सुअर हो गए। एक बंदा आ रहा था मेरे साथ, तो लोगों ने डरा दिया उसको, चलो कोई नहीं भाई क्या ही कर सकते ना, वो आ रहा था बेचारा, उसको अच्छा खासा डरा वरा दिया, वो आया नहीं। दो दो लोगों में क्या होता है, मज़ा भी आता है और एडवेंचर भी रहता है, तो यहाँ पे तो अब सिंगल में ना जो हालत हो रखी है ना मेरी, मैं क्या ही बताऊँ। ऐसे ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके हैं, नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, लगता है आज की रात ना ऐसी गुजरती है, बिल्कुल भी नींद नहीं है। पर गाँव से आवाज़ें आ रही हैं, भाई क्या एक्सपीरियंस है यार, लिटरली ना बहुत रिस्की है भाई। बाहर ना ऐसा लग रहा कोई चल रहा है इधर उधर, बड़ी फट जा रही है मेरी कसम से, मेरी हालत ख़राब हो जा रही है, ऐसा लग रहा कोई इधर उधर जा रहा। चलो कोशिश करते हैं सोने की एक बार, भाई जैसे ही मेरी आंख लगी ना वैसे ही फिर आवाज तगड़ी वाली, लगता है आज रात भर नहीं सोने वाला हूँ मैं। अभी थोड़ी देर ऐसे ही रहता हूँ तो कुछ होगा तो पता चल जाएगा क्या है आखिर सीन बाहर, कुछ ना कुछ तो था जो कि मतलब मेरे पास आकर ना गया है उधर साइड को। अब कल पता चलेगा
अगर कुछ पंजे वंजे या कुछ भी होगा ना, उसके छप्पे वप्पे हुए होंगे, तो कल पता चलेगा। बाकी मैं थोड़ी देर ऐसे ही रहता हूँ, तो मैंने कैमरा स्टैंड में लगा दिया है फ़ोन, तो थोड़ी देर ऐसे रखना उसको ना, कुछ भी होगा तो भाई पता चल जाएगा आखिर चल क्या रहा है। यहाँ सीन कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा। सुना, यहाँ कुछ है, यहाँ यहाँ कुछ है भाई। अभी तो आवाज़ आ गई हुई, बट मुझे भाई बहुत कुछ आ गया, आग लगानी पड़ेगी। ओके माचिस खा गई, माचिस पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। भाई कुछ तो आगे बाहर माचिस पहले नहीं थी गॉड, बाहर कुछ आ, मैं बोल नहीं रहा था, झाड़ी में कुछ है करके। माचिस कहाँ रखती मैंने, तो मुझे फटाफट आग जलानी पड़ेगी। तब के बस बाय गॉड, वो ऊपर को या ऊपर को आ रहा, जबरदस्ती हो रही है उसको। आग भी बुझ गई, मां कसम बाहर यार, किस्मत देखो मेरी। भाई मैंने आग तो जला दी है, मुछाल जला दी है, अब जो होता है ऊपर वाले की मर्जी। भाई मेरे उसमें लिस्ट तो पड़ गया है, बट कुछ बात तो था भाई, वो कुछ तो था। जल जाए यार, तो चाकू खा गई मेरी। मैं इतनी हिम्मत करके आया हूँ ना बाहर, सिर्फ और सिर्फ आग जलाने के लिए, बट मेरे सामने आ गया ना, या तो वो रहेगा या तो मैं रहूँगा। सच बता रहा हूँ तुम्हें, सुअर हुआ ना, सुअर से पंगा लेना बहुत बेकार है। कैमरा उधर को ही रखा हूँ,
आज इसने मेरी फाड़ के रख दी, जो भी धने नीचे हैं भाई इसने मेरी फाड़ के रख दी है। कैसे भी देगी मेरी रात मुझे नहीं पता, पर आग जल नहीं रही है, आग भी नहीं जल्दी। देखो यहाँ फट के आग नहीं है। काश वो वॉइस रिकॉर्ड हुई हो, मजा आ जाएगा। बट आग जल जाए पहले, सबसे पहली बात है, आग से ना बहुत कुछ डरते हैं। तो देखता हूँ क्या सीन होता है। मेरे को जोर से भी नहीं बोलना चाहिए भाई, बोलिए कुछ भी जानवर होगा तो ऊपर आ सकते हैं आराम से। हो गया ना, लकड़ियाँ भी खत्म हो गई भाई, मैंने वही फाड़ दिया। एक मैंने कपड़ा फाड़ दिया, अच्छा हुआ क्योंकि मेरे पास आग जलाने के लिए कुछ था नहीं। उसके अलावा भी जल्दी जल्दी में आग जलाने के लिए ना, उसके अलावा मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो देखने के लिए कुछ तो, मैं इसको जला देता हूँ, इसको जला देता हूँ। जो कुछ भी होगा मेरे पास नहीं आएगा भाई, फट के हाथ में आ गई आज, लिटरली सच बताऊँ तो। ये भी जल नहीं रहा, देखो किस्मत अपनी, एक किनारे किनारे ना जल जाएंगे तो मेरे लिए सही रहेगा। आग से ना कुछ आएगा नहीं यहाँ पास में, तो इसको भी जला देता हूँ मैं ताकि कुछ आए ना। ये जो कुछ भी है ना इसको यहाँ से भगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर बहुत बड़ी बड़ी झाड़ी है, तो अगर ये ऊपर को आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। जो भी होगा, बाकी इतना तो ड्राई दिया इसने, जिसने जो भी है। तो हम मिलेंगे आपको कल में मॉर्निंग में। ओके गाइस, गुड नाइट। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा भाई ठीक है आज? चेक दिस आउट। कल सामना जीना हराम हो गया था अपना। कल शाम जैसा डर आ रहा था ना भाई नीचे साइड को, या तो सुअर था या तो बाघ था, जैसा डर लग रही थी ना मेरे को, या तो वो सुअर था या तो बाघ था। उसके बाद तो फिर मैं सो गया था, फिर मुझे पता नहीं चला कि कुछ था कि नहीं था, क्योंकि फिर नींद आ गई थी तगड़ी वाली। बट भाई रात की बात जो थी ना वो खतरनाक वाली थी। रात में दोपहर में बहुत अंतर होता है, दोपहर में बाघ भी आ जाएगा ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रात को थोड़ी सी भी अगर हलचल होती ना इधर उधर झाड़ियों में तो बड़ी आफत हो जाती है यार, क्या ही बोलूँ। बाकी चलो जो भी है सही है, आप अकेले थोड़ा सोच समझ के करूँगा मैं कैंपिंग। सोलो कैंपिंग पर मज़ा आता है एक्चुअली यार, अकेले भी हो जाती है कैंपिंग अच्छे से, अकेले भी कैंपिंग हो जाती है अच्छे से एक्चुअली यार। तुम्हारे भाई के पास ना टॉर्च, ये एक आध टॉर्च है, अच्छे वाले टॉर्च नहीं है ना हमारे, अच्छे वाले टॉर्च नहीं है ना, तो अच्छे वाले टॉर्च होते तो ठीक रहता। बाकी यहाँ पे जो लोकेशन है ना, इसके नीचे काफ़ी सारी झाड़ी है कूरी, तो ऐसी जगह पे मेरे को नहीं करनी चाहिए वो ना। एक चलो कुछ तो एक्सपीरियंस मिला है यहाँ से ना,
मतलब ऐसी जगह पे कैंप नहीं कर रहे हैं जहाँ पे मतलब कुछ दिखाई ना दो, कुछ दिखाई ना दे दूर दूर तक। यहाँ से केवल खेती खेत दिखाई दे रहा है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा, राइट। और फिर नीचे भयंकर कुछ भी हो सकता है, बाघ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। सो गाइस, मौसम काफ़ी नेक्स्ट लेवल हो रहा, कोयल की आवाज़ काफ़ी तगड़ी आ रही है चारों तरफ से, बहुत मज़ा आ रहा भाई। और मौसम ऐसा हो रहा ना खतरनाक वाला, कल शाम भी ऐसा लग रहा था कि बारिश होती है बट बारिश नहीं हुई। तो अभी ऐसा करते हैं, फटफट से ना कैंप को समेटते हैं, सामान समेटते हैं और निकलते हैं घर के लिए। कल शाम गाइस ये चेक करो, सुअर ने खोद के कैसा कर रखा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी पूरा सिस्टम बना रखा भाई। कल शाम मैं यहाँ पे खड़ा था तो नीचे से ना मैंने जैसे मतलब आवाज़ें आ रही थी, पहले इधर साइड को आ रही थी फिर इधर को आने लग गई बाद बाद में, और बहुत तेज़ तेज। तो भाई मैं यहाँ पे आया, मैंने जैसे हल्ला करा और वो ना सीधे ऊपर को आने लग गया इधर साइड को, फिर तो मैं भाग गया। मैंने उससे पहले ये लकड़ी भी फेंकी थी आग वाली, ये चेक करो। तो गाइस फाइनली अपनी पैकिंग हो चुकी है, बाकी अभी निकलते हैं फटफट। तो धूप भी आ चुकी है बढ़िया वाली, कल शाम का एक्सपीरियंस कुछ तगड़ा था, बहुत कुछ सीखने को मिला बट हाँ भाई बहुत रिस्की था, बहुत डर लग रहा था कल ना। चलो अभी चलते हैं।